सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे भवतु मे सदा नमस्कार स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल बोले तो आपके संस्कृत चंद्रा पर मेरे दोस्तों मेरे प्यारो मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं आशा है विश्वास है आप होंगे स्वस्थ आप होंगे मस्त कर रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी प्रे विद्यार्थियों प्लीज एक बार कमेंट करके बताइएगा कुछ टेक्निकल इशू था मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही है एक बार कमेंट करके प्लीज बताइएगा जितने लोग हैं हमारी आवाज जा रही कि नहीं एक बार ये चीज हमको कंफर्म कर दे क्योंकि माइक की समस्या थी अभी थोड़ा हम इसको दूर कर पाए हैं तो एक बार जरूर आप लोग कह रहे हैं कुछ तो बोलो लिख कर बोलो हां जी हां हां अरे पॉजिटिव जी क्या बताएं हम्म आवाज जा रही प्लीज एक बार बता दे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सबको सारे विद्यार्थियों अरे पहले कल्लू जी बताओ हमारी आवाज जा रही कि एक बार बताओ तो हम तुरंत स्टार्ट हो जाएं जल्दी बता दो जी चलिए जी आ रही शुक्रिया बहुत धन्यवाद शुरू करते हैं जी आपका कार्यक्रम है ना जी जो विद्यार्थी हमसे जुड़ गए हैं स्वागत है वंदन है अभिनंदन है कर दो जी शेयर सारे विद्यार्थी अपने दोस्तों और मित्रों को है ना जी लेट है इसके लिए क्षम्यता माफ कीजिएगा है ना जी चलिए जी आज थर्टी क्वेश्चन का पूरा का पूरा अपना वो है है ना जी सीधे सीधे जुड़ते हैं बिना देरी किए हुए जो विद्यार्थी जुड़ गए हैं उनका तो हम बंधन अभिनंदन कर ही रहे हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनको हम बुलाने का प्रयास कर रहे हैं वो आए और क्लास को ज्वाइन करें चलिए जी थोड़ा सा बस एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों और मित्रों जितने भी हमारे साथ हैं है ना जी वेरी चलो जी क्वेश्चन शुरू करते हैं गुड इवनिंग नमस्कार सबका बंधन अभिनंदन आपकी अपने क्लास बोले तो संस्कृत चंद्रा पर है ना जी संस्कृत चंद्रा पर सबका स्वागत है वंदन है अभिनंदन है उनतीस से तीस दिसंबर वाला पेपर है आगे चलते हैं विद्यालयी शिक्षायाम बहुभाषीयता को अर्थ ये बताना है आपको विद्यालयी शिक्षायाम बहुभाषीयता को अर्था विद्यालयी शिक्षायाम बहुभाषीता को अर्षा अर्था बताओ जल्दी बताओ आज थोड़ा सा गड़बड़ है मामला है विद्यालयी शिक्षायाम बहुभाषीयता को अर्था अगर हमारा टैग वर्ड वाला वीडियो वा आपने देखा है तो एकदम लल्लन टाप उत्तर करोगे है ना जी कि कमरा से संध्या गुप्ता जी नमस्कार बताओ विद्यालय शिक्षा में बहुभाषीयता का क्या अर्थ है ऑप्शन ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा यहासम यथा यम बहुभाषा अध्ययन अध्यापन जहाँ तक संभव हो अपने मातृ बहुभाषा में अध्ययन और अध्यापन या भाषा रूपेण मतृभाषाया भाषारूपेण मध्यमूपेण चध्ययन अध्यापनम अध्ययन अध्यापन तत्पश्चात अन्यास भाषाण योजना या तिस्ृ अध्ययन अध्यापन यासु मातृभाषा हिंदी भाषा की भाषा रूपेण आंग्ल भाषा से हो बहुभाषीयता से इतने सारे प्रश्न आते हैं जी बहुभाषीयता से इतने सारे प्रश्न आए हुए हैं आपके एग्जाम में हम आपसे क्या बताए है ना हाँ जी हाँ जी कर दी है संध्या जी जूम एक बार उत्तर करो जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ गए हैं भाई लेट होने के लिए क्षमता माफ कीजिएगा है ना जी कुछ टेक्निकल इशू था चलो जी बताओ सारे विद्यार्थी क्या बहुत बढ़िया जी सी इज द राइट आंसर है जी क्योंकि 28 दिसंबर की बात हम लोग 28 दिसंबर का पेपर डिस्कस कर चुके थे जूनियर वाला एक से पांच वाला हो चुका है जाके देखिएगा आप अपने प्लेलिस्ट में और यहां पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं उनतीस दिसंबर का कितना जी उनतीस और तीस दिसंबर लेके आए तो जिन्होंने कहा है सी बिल्कुल सही है बहुभाषीयता के संदर्भ में मैंने बताया जो मातृभाषा या अग्रह भाषा होती है का अध्ययन अध्यापन के बाद तत्पश्चात उसके बाद अन्यसाम भाषा नाम योजनाम क्यों हो कहते हैं क्यों हम पहले कह रहे प्रथम मातृभाषा या का अध्ययन अध्यापन करते हैं उस तत्पश्चात उसके बाद हम क्या करते हैं अन्य भाषाओं का योजन करते हैं उनको हम जोड़ते हैं इसका मतलब जानते हैं नजी क्या है कि अच्छा क्यों इसको हम करते हैं मैंने एक लाइन लिखवाई थी ये टैग वर्ड में मैंने आपसे चर्चा किया था कि अगर मातृभाषा क्या होती है द्वितीय भाषा के लिए या अन्य भाषा के लिए आधार का कार्य करती है किसका जी आधार का कार्य करते हैं तो बिल्कुल आपका जिन्होंने कहा है सी एकदम राइट आंसर जी आगे बढ़ लो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा चेन्नई लो जी चेन्नई वालों कुछ विद्यार्थी चेन्नई के हो तो लो देखो जो चेन्नई से जुड़े हों वो देखे चेन्नई इतस्मिन स्थाने भाषिता भाषा चेन्नई कहा जी चेन्नई कह रहे कि चेन्नई इतस्मिन स्थाने भाषिता भाषा चेन्नई इस स्थान पे भाषिता मतलब बोली जाने वाली भाषा मतलब भाषा में स्थाने भाषिता भाषा अस्ता कोयम चेन्नई में के स्थान में जो बोली जाने वाली भाषा है और फिर कोयम्बूर के स्थान में बोलने वाली बोले जाने वाली भाषा क्या होती है तमिल भाषा या क्षेत्रीय उपभाषे की तमिल भाषा की क्षेत्रीय उपभाषा के रूप में या तमिल भाषा का सामाजिक उपभाषा के रूप में या कोयम्बूर तमिल भाषा तमिल भाषाया मलयालम भाषाया चाहे मिश्रणम अस्थि कि कोई भी टूर की जो भाषा तमिल और मलयालम मिश्रित है चेन्नई तमिल भाषा तेलगु भाषा तमिल भाषा या चाहे मिश्रणम अस्थि तो बोलो यहाँ पर कह रहे हैं चेन्नई एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है अगर आपने उपभाषा से संदर्भित पढ़ा है जी अभी दिख रहा है ना जी की दिख रहा कि भी और जूम किया जाए है एक बार हम देख लेते भैया दिख तो रहा है भाई हम्म दिख तो रहा है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा सारे विद्यार्थी हम्म लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत भूलिएगा जो भी है जी सारे विद्यार्थी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आपकी जिम्मेवारी है तो एक बार बताओ जी जी बहुत अच्छा वाह दिख तो रहा है भैया है और जूम कर दें चलो जी और जूम कर देते हैं जोम कर देते हैं सारे विद्यार्थियों से निवेदन फटाफट जुड़ जाओ भाई देरी बिना किए जितने विद्यार्थी हैं बिना देरी के आपको जुड़, जुड़ जाना है आपके अपने संस्कृत चंद्रा से हाँ बताओ तो ये कौन सा वाला ऑप्शन सही है सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जो भी हमसे जुड़े हैं है? जो भी हमसे जुड़े हैं कह रहे हैं चेन्नई इस स्थान में जो बोली जाने वाली भाषा है वही भाषा कोयम्ब में किस भाषिता बोले जाने वाली भाषा है तो क्षेत्रीय उपभाषा एक्चुअली ये उपभाषा से संबंधित है संबंधित क्वेश्चन है तमिल भाषा आया है, तमिल भाषा की क्षेत्रीय उपभाषा के रूप में और उपभाषा के संदर्भ में मैंने बताया था क्यों क्योंकि ये उपभा तमिल की उपभाषा उपभाषा कोई नवीन भाषा नहीं होती है, है? कोई नवीन भाषा नहीं होती है ऐसा मैंने बताया था आप पढ़े होंगे वर्ड में मैंने चर्चा की है है ना जी तो तमिल भाषा की ही क्षेत्रीय उपभाषा के रूप में भाषा होगी जो कोयम्ब टूर में बोली जा रही है समझे ना जी आगे आते हैं अगला क्वेश्चन लीजिए सारे विद्यार्थी चलो जी हम्म चलो बताओ कह रहे हैं कि उपागमस्य विषय विधेश विषय किम कथनम सत्यम किसके जी उपागम के विषय में और विधि उपागमस्य तो मतलब क्या यहाँ पे उपागम क्या जी उपागम और इसके विषय में जी विधि उपागम और विधि उपागम और, उपा और विधि के विषय में कौन सा कथन सत्य है उपागम और हम्म उपागम और विधि के विषय में कौन सा कथन सत्य है बताओ सारे विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हो सारे लोग आंसर करोगे जी उपागम तो और विधि के विषय में कौन सा सही है बहुत बढ़िया जी कुछ कह रहे हैं ए सही है अरे भाभी को देख रहे खींच के माने लाइक अभी भी कम हुआ है कर दो लाइक बता देना। आपको पता नहीं क्या अगर लाइक नहीं करते हो तो हम यहां से अपना इसको खींच के मारेंगे अपना पेन समझ रहे हैं ना जी हाँ ये देखो अभी भी लाइक कम है बड़े आए कर दो जी लाइक सारे विद्यार्थी है ना जी इदम भाषा प्रकृति नाम भाषा सिक्षणेन सह संबंधितम् अस्ति यह भाषा की प्रकृति या जो है भाषा की प्रकृति और भाषा के शिक्षण के साथ संबंधित होती है या इदम भाषा सिक्षणसे विषये सिद्धांता नाम परिकल्पनाम् चा परिकल्पना नामचा वास्तवकम् चा, चा अनुभवेन संबंधितम अस्ति। एक्चुअली जो दो कथन दिया गया है ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उपागम और विधि के विषय में कौन सा कथन सत्य है दो कथन दिया गया है कि मतलब यह भाषा की प्रकृति और भाषा के शिक्षण के साथ संबंधित होती है यह भाषा के शिक्षण के विषय के सिद्धांतों में और परिकल परिकल्पनाओं में वास्तविक अनुभव के द्वारा संबंधित होती है तो बताओ कौन सा सही ऑप्शन ए कहता है ए उपागम ए उपागम है परिभाष ए वाला कथन उपागम की परिभाषा है बी विधि में परिभाषते और बी वाला कथन विधि की परिभाषा देता है फिर कहते हैं ए तथा बी उभ भाषा शिक्षण से उपागम ए और बी दोनों भाषा शिक्षण के उपागम को परिभाषित करते हैं ए तथा बी उभ भाषा शिक्षण से विधि में ये दोनों दोनों ए और बी विधि को परिभाषित करते हैं या ए और उभ उपागमम अथवा विधि ना परिभाषित दोनों की परिभाषित नहीं करते हैं तो सरिता यादव जी ललिता कुमारी जी ए बी सी डी स्वाति वर्मा जी पॉजिटिव थॉट जी बी बता रहे हैं जी सारे विद्यार्थियों का स्वागत है वंदन है अभिनंदन है जितने विद्यार्थी हमसे जुड़े गए हैं कितना बढ़िया और कितना बड़े आए एबीसीडी वालों कह रहे हैं यही तो दिक्कत है ना जी यही दिक्कत है यहां पे सरितास देखिए जी यहां पर जिन्होंने ये कहा है यह भाषा की प्रकृति भाषा के शिक्षण से संबंधित होती है कौन 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 उपागम ये जो उपागम होता है ये उपागम को परिभाषित कर रहा है ए तो ए इज द राइट आंसर ए उपागम तो जो उपागम होता है वो क्या होता है ये आपकी परिभाषा भी है उपागम क्या होता है उपागम उपागम विद्यार्थी यह किसी भाषा की प्रकृति और उसके उस भाषा के शिक्षण से संबंधित होता है कौन उपागम और कहते हैं विधि क्या होती है हैं तो विधि वो होती है जो भाषा के शिक्षण के ध्यान दीजिएगा भा विधि कहाँ प्रयोग करते हो भाषा शिक्षण में अपने शिक्षण में विधियों का प्रयोग करते हो नहीं करते हो तो वही कह रहे हैं जब हम भाषा के शिक्षण में के विषय में सिद्धांतों में अपनी परिकल्पनाओं में जो आप बनाते हो पूर्व पठन के पूर्व पाठन के पूर्व वास्तविक और अनुभव के द्वारा संबंधित होती है वो विधि होती है ये किसकी परिभाषा है विधि की परिभाषा है विधि की परिभाषा है एक लाइन में आप लिख भी सकते हो दो परिभाषाएं उपागम क्या होता है विधि क्या होती है एक परिभाषा भी मिल रही है है ना जी चलते हैं जी अच्छा जी अगली क्लास हो सकता है हम इसी के रखें है ना जी गद्यांश के बारे में थोड़ा अभी एक वीडियो हमको लेना है कि गद्यांश को कैसे हम सही करें कैसे कम समय में कैसे उसको करें तो वो वीडियो लेने के बाद हम आपको गद्यांश पढ़ाएंगे चिंता मत कीजिए बहुत ही जल्दी अभी तक आपको मैंने एक वीडियो जो खतरनाक दिया है वो दिया है टैग वर्ड का किसका दिया है टैग वर्ड का इस इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो है कीवर्ड का किसका जी वो आने वाला है कीवर्ड का काम चल रहा है बहुत जल्दी कीवर्ड वाला वीडियो भी मिल जाएगा टैग वर्ड और की वर्ड दोनों अलग चीजें है ना जी तो कर लो जी ए वाला सही आगे आओ निम लिखते हो, बड़े बड़े प्रश्न है घबराना नहीं है चुनाव आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएगा तो आप घबरा जाते हो बड़ा प्रश्न देख के उससे और तेजी से आँखी मिलाओ और आंखों से आंखें मिला के उत्तर करो बेहतरीन होगा क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखते हो नीचे लिखे में से किम अधः ऊर्ध बहुत अच्छा जी पढ़ाया हूं गुरु अगर आपने हमारा एक वर्ड वाला वीडियो अभी भी नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा वहां पर ये चीजें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस की है निम् लिखतयो किं अधः ऊर्ध्व श्रवण कार्यम अस्ति किंच ऊर्ध्व अधः श्रवण कार्यम अस्ति अधः ऊर्ध्व और ऊर्ध्व अधः श्रवण कार्य के बारे में पूछा है जी सुजीत कुमार जी कल्लु यादव जी संस्कृत गंगा से पढ़ लीजिए हां जी चलो जी अरे सिस्टर चलो जी बताओ तबियत खराब है कोई बात नहीं जी स्वस्थ रहे मस्त रहे व्यस्त रहे है, है ना जी चलो बताओ जी अधा, आपके पास ये देखो दो दिए हैं ए और बी देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल कह रहे हैं कि कौन अधा अधर्ध प्रक्रिया है और कौन ऊर्ध कार्य है बोलना है आपको ऑप्शन आप ए में लिखा है सार निर्माणम संपूर्ण संदेश से श्रवणम पृष्ठभूमि ज्ञानम तथा उपयोग भी कहता है श्रुतलेखा आग्रहित शब्दा नाम श्रवणम अग्रहित जो ग्रहित शब्द नहीं है उनका श्रवण बहुवकल्पीय प्रश्न नाम प्रयोग विचार विमर्शा तो अगर आपने हमारा टैग वर्ड वाला वीडियो बढ़िया देखा है तो एकदम लल्लन टाप उत्तर करेंगे जितने विद्यार्थी हैं है ना जी प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए भाई आपकी उपस्थिति आज बहुत कम दिख रही है, है? हाँ मुझे पता है कि हम हैं लेट किंतु तो अगर आप की उपस्थिति ऐसे रहेगी थोड़ा मजा कमागा है ना जी जी थोड़ा थोड़ा मजा कमाएगा जी? तो भाई थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दो जी जितने विद्यार्थी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं है ना जी अपने दोस्तों और मित्रों जो भी उनके मित्र हैं उनके तक पहुंचाएं क्योंकि वो आके लौट भी गए होंगे क्योंकि आपकी क्लास थी लेट है ना जी तो चलो जी भाई सारे विद्यार्थी बताएं कौन सा है अधा ऊर्द प्रक्रिया कह रहे हैं सी सही है बी सही है संजीव कुमार जी वाह संध्या गुप्ता जी सी पॉजिटिव जी सी समर कनोजे शिल्पी जी बड़ा बेहतरीन उत्तर करते हैं इसका मतलब है बढ़िया से पढ़ा है लाइक नहीं किए तो कर दो लाइक सारे लोग बता दे रहे हैं चलो जी बताओ कौन सा सही है सार निर्माणम संपूर्ण संदेश ए कहता ए बी उभव अधा ऊर्ध श्रवण कार्य अस्ता ए और बी दोनों क्या है अधा ऊर्ध श्रवरण कार्य है बिल्कुल नहीं ए तथा बी उधर्ध बिल्कुल नहीं ए ऊर्ध ए वाला ये ऊर्ध है ऊर्ध कार्यमस्ती बी बी बोले तो श्रुत लेख है ना जी तो बिल्कुल जिन्होंने कहा है सी एकदम राइट आंसर है जी बिल्कुल सही बताया है एकदम राइट आंसर जी कर लो सारे सही ए, ए सी द राइट आंसर एक नहीं दो नहीं तीन चार प्रश्न आए हैं और मैंने टैग टैगवर्ड वाली पीडीएफ में टैग में वाली वीडियो में बहुत अच्छे से इसको मैंने बताया है समझाया है वही जाके पढ़ लेना तो इसमें से कौनों क्वेश्चन आएगा सच्ची बता रहे हैं गलत नहीं होने वाला है समझे ना जी तो अभी तो कर लो सी वाला सही आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि के शब्दाह के शब्द लेखने भाषण से प्रयुजनते इसके बारे में भी मैंने बताया है, है? मैंने टैग वर्ड में इसकी भी परिभाषा दी है अगर कौनों गलत किए जो हमारा टैग वर्ड में लाइव थे अगर है ना अग नहीं देखे तो जाके वो वीडियो मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि वो जरूर देख लेना बाकी आपकी मर्जी वीडियो देखिए ना देखिए लेकिन आपके लिए वो वीडियो लाभप्रद होगी है सुनो लाइक करो जल्दी से लाइक नहीं करते हैं सरमाए रहें लग रहा है, है? लाइक करो खींच के मार बता दे रहे हैं हम फूल कुमारी जी बहुत बहुत स्वागत है जी आइए स्वीकारिये है, है ना जी दे रहा है दुरुस्त आए सो जी बताओ उत्तर करो फटाफट के शब्दाह लेखने और भाषण जनते मतलब प्रिवजन्ते का मैं हिंदी भी वहां लिखा हूं है ना टैग वर्ड में प्रयोग करते हैं बताओ बेहतरीन आंसर एकदम मोनू कुमार जी बहुत स्वागत ए फॉर अमेरिका उत्पादक शब्द क्या प्रोडक्टिव वो है ना जी तो एज द राइट आंसर वे उत्पादक शब्द कोश कौन से होते हैं जो लिखने में और बोलने में प्रयोग में लाए जाते हैं वो उत्पादक शब्द कोश के रूप में होते हैं है ना जी चलते हैं आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं जानते रहिए है जी ताह क्रिया या व्याकरण नियमान वास्तविक व्यावहारिक संभाषण योजना चलो जी ताह क्रिया हुआ वे क्रियाएं या मतलब जो या मतलब यहाँ पर क्या जो व्याकरण नियमान व्याकरण के नियमों को वास्तविक व्यावहारिक संभाषण के द्वारा जोड़ योजने जोड़ने में कहते हैं मतलब क्या वे क्रियाएं जो व्याकरण के नियमों को वास्तविक व्यवहारिक संभाषण में हम जोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं बोलो 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 कि वो क्रियाएं जो हम व्याकरण के नियमों को वास्तविक व्यवहार व्यवहारिक भाषण में योजन मतलब जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं तो बोलो कौन सा सही व्याकरण से विवरणात्मक ज्ञानम शब्द रूपात अर्थम प्रतिगति प्रकरण संबद्ध व्याकरणम या शब्द रूप केंद्रित व्याकरणम सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे प्लीज सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब है शेयर करते रहिएगा दोस्तों और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा है ना जी तो चलो जी बताओ बहुत बढ़िया जी जितने लोग उत्तर दे रहे हो जी बहुत बढ़िया उत्तर कर रहे हो जी बहुत अच्छे जी क्या बात है वाह इसे तो कहते हैं जी बहुत अच्छे हाँ किटू बहुत अच्छा देखिए जी जिन्होंने कहा है जब हम यहाँ वास्तविक व्यवहार संभाषण की बात आ गई मतलब प्रकरण जो आपका विषय है उससे जुड़ा हुआ है बी वाले बड़े आ, बी वाले आ, राइट कह कह रहा है। वे व्याकरण के नियम जो जिनको हम वास्तविक व्यवहार के संभाषण मतलब बोलने में जोड़ते हैं कथित कहलाते हैं क्या प्रकरण संबद्ध व्याकरणम का कहलाता अब वास्तविक व्यवहार ये क्या कहलाएगा जी प्रकरण संबद्ध व्याकरण प्रकरण संबद्ध व्याकरण होता क्या है वो वो व्याकरण जिसका वो व्याकरण के नियम जिनका प्रयोग हम वास्तविक व्यवहारिक संभाषण में करते हैं वो क्या कहलाते हैं वो प्रकरण संबद्ध व्याकरण कहलाते हैं इसकी परिभाषा है आई बात गई समझ में कर लो जी सही सी इज द राइट आंसर शुक्रिया धन्यवाद और जो कर रहे हो उत्तर गलत खींच के मारेंग बता दे रहे हैं सारे विद्यार्थी लाइक करते हुए सेशन को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा लंबा चलने वाला सेशन आ जाओ जी बेहतरीन ढंग से आ जाओ एकदम फिर कहते हैं काचित अध्यापिका ष्टी कक्षाया कौन सी कक्षा ष्ठी कक्षाया छात्र लेखन कार्य ददाती कोई अध्यापिका छठवीं क्लास के अपने छात्रों को लेखन कार्य ददाती लेखन कार्य देती है एतादृशम लेखनम कश्याम श्रेणीम गण्यते इस प्रकार का लेखन किस श्रेणी में गिना जाता है चतुर्णाम समूह विचारोत्तेजनम कुरुत और चार समूहों में बांट कर उसका हम तेजन करते हैं है ना जी देखिए प्रिय विद्या संध्या गुप्ता जी सन्नो जी सबसे निवेदन है फूल कुमारी जी सारे जो भी हमारे विद्यार्थी हैं अच्छा जी फूल शुरुआत से ही बहुत धन्यवाद स्वागत है कृपया ये नाराजगी वाली स्मैली ना है हम तो कहते हैं मुस्कुराते हुए उत्तर दो है संस्कृत चंद्रा की क्लास है यहाँ पे बिल्कुल चेहरे पे शिकत नहीं होनी चाहिए एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके आंसर आना चाहिए ना जी जी चलते हैं जी। बताओ जी चार समूहों में विचारोत्तेजन करता है फिर विचार विन्यास करता है रूपरेखा सज्जीकरण करता है सब्जी मतलब क्या मैंने क्या बताया था तैयार करता है रूपरेखा तैयार करता है तदा सुंदर लेखन प्रलेखम सज्जीकृत फिर प्रलेख लिखता है ए, यत्र दो पक्षे तथा दो विपक्षे, जिसमें एक तर्क पक्ष में होता है मतलब और एक पक्ष में और दूसरा विपक्ष में होता है अस्ति और विषय क्या है विद्यालय छात्रा नाम कहते अंतरजालीय शिक्षा कि विद्यालयी छात्रों में के लिए विद्यालयी छात्रों के लिए कंप्यूटर कम्पूर, की शिक्षा है अब बताओ भिस, ये विषय है और छठी क्लास की अध्यापिका अपने छात्रों को उस पर लेखन कार्य के लिए कहती है और कैसे कहती है चार समूहों में विभाजित करती है उनको विचार विन्यास रूप रेखा सुंदर लेखन सज्जी करता है फिर एक तर्क में एक पक्ष में लिखता है एक विपक्ष में लिखता है तो बताओ बताओ इस लेखन को किस श्रेणी में हम गिनते हैं देखो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लिखा है वर्णनात्मक श्रेणी में तर्क संगत लेखनम व्यक्तिगत लेखनम आख्यानात्मक लेखन बोलो जी उत्तर बहुत बेहतरीन जी 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 समर्थन हो जी बिल्कुल बोथ पेपर के लिए एकदम सही है बोथ पेपर के लिए बिल्कुल जिन्होंने जी मोनू कुमार जी बेहतरीन उत्तर किया है ये है? तर्क संगत लेखनम कथ्यते चूंकि एक पक्ष में एक विपक्ष में बोल रहा है है ना जी लिख रहा है तो किस श्रेणी में आएगा एतादृशम लेखनम कश्याम श्रेणियाम गण तो तर्क तर्क संगत लेखन इथ श्रेनियाम आई बात गई समझ में आगे चलते हैं जी प्लीज थोड़ा सा और 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 शेयर करना है भाई ऐसे मजा थोड़ा सा कम आएगा है ना जी बहुत बढ़िया जी थोड़ा सा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाइए ना जी हम्म चलो जी आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे चलते हैं क्या है जी कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो कितना क्वेश्चन आया अभी शायद मैं भूल गया था मैं आपको एक पीडीएफ भेजने वाला हूं भूल गया हूं शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का थोड़ा सा भूल जाता हूं लेकिन चिंता मत कीजिए हम इसको भी भेज देंगे क्योंकि हमारे छात्र जो हैं वो हर जगह से लाभान्वित हो है ना जी बताओ चलो जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो प्राचीन सांस्कृतिक भाषा नाम अध्ययन के न प्रकार जो प्राचीन सांस्कृतिक भाषा का अध्ययन है उसकी संस्कृति किस प्रकार किस प्रकार से उसके संस्कृति करता है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षण वर्ष सुभाषा रूपेण या फिर अतिरिक्त विकल्प के रूप में या आधुनिक भाषा के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा ये देख लो प्राचीन सांस्कृतिक भाषाणाम अध्ययनम जो प्राचीन सांस्कृतिक भाषाएं हैं जो प्राचीन सांस्कृतिक भाषाएं है हैं उनके अध्ययन में के विषय में किस प्रकार की संस्तुति देता है 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चलो जी उत्तर करो सारे विद्यार्थी और जो जा रहे हैं ना जी बहुत ज्यादा शादी में भागने लगे हैं ना बताना बस बताओ सारे विद्यार्थी उत्तर करो शादी में घूम रहे हैं बोलो जी बोलो कुछ तो बोलो लिख कर बोलो जल्दी बोलो कह रहे हैं ए सही ए सही वाह वा, वा। बबलू कुमार जी भी का। बहुत स्वागत है जी <laughs> बहुत अच्छे बड़े आए ए कह रहे हैं ये बताओ यहाँ प्राचीन सांस्कृतिक भाषा की बात की जा रही है प्राचीन सांस्कृतिक भाषा में तो हिंदी नहीं आती है, है? हिंदी नहीं आती है तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा के रूप में हिंदी रखा जाता है यहाँ भाई साहब वो अतिरिक्त ये और प्राचीन सांस्कृतिक भाषा के रूप में हम संस्कृत आती है क्या आती है जी संस्कृत भाषा आती है तेलुगु आती है तमिल आती है तो अतिरिक्त विकल्प रूपेण किस रूप में जी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बीत जो विषय है वो वो कैसी संस्तुति देती है सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में प्रिय विद्यार्थी जिन्होंने कहा है जी जी धन धनंजय जी ने कहा है सी सी इज द राइट आंसर जी लो सही पूनम कुमारी जी ऑफिशियल बिल्कुल सी द राइट आंसर सारे विद्यार्थी कर लेंगे जी सही हाँ जी हेमांत आर्या जी सारे विद्यार्थी जिन्होंने कहा है सी सी इज द राइट आंसर प्राचीन सांस्कृतिक भाषा के संदर्भ में क्वेश्चन है किस संदर्भ में प्राचीन और मैंने अगर आपने हमारा टैग वर्ड वाला वीडियो देखा है तो वहां पर मैंने इसके बारे में भी बताया है कौन सी भाषाएं है आती हैं जाकर जो नए होंगे सब्सक्राइब करते हुए देख लेना है ना जी आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि कश्चित पाठक हम्म बहुत अच्छे मैंने एक चीज और बताई है और ध्यान देना पाठ एक बार और ऐसा प्रश्न आया था किसी ने इसी पे हम लोगों ने चर्चा की थी फिर से बता देता हूं कि कोई पाठक है समाचार पत्रम पठ कहा पढ़ रहा है पाठ पुस्तक नहीं पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है समाचार पत्र पढ़ रहा है सूर्व दिन क्रिकेट प्रतियोगिता सूचना ज्ञातम इच्छति जो पहले क्रिकेट प्रतियोगिता हुई है उसकी सूचना को जानने की इच्छा करता है पठनम किम कथित इस प्रकार का पठन क्या कह, किम कथित क्या कहलाएगा लाइक कर लाइक खींच के मारें। बता जी खींच के बेहंगावलोकन <laughs> या परिवीक्षणम मनोरंजनार्थम पठनम या सूचनार्थम पठनम चलो जी करो उत्तर देखते हैं कहने ए सही नीतू कुमारी जी अंकु जी समर जी सारे विद्यार्थी मिट्टो गुप्ता जी सबका स्वागत है वंदन है अभिनंदन है फूल कुमारी जी बतियाओ नहीं नहीं तो हम बता रहे हैं पिन जाएगा और हम तुम्हारी में लग के आएगा पहले बताओ कौन सा सही है ए बी सी और डी किसी समाचार पत्र में पढ़ रहा है और क्या पढ़ना चाह रहा है पिंटू कुमार जी जो पिछले दिन सीरीज हुई थी मैच की उसको सुनना चाह रहा है उसको देखना चाह रहा है उसको समाचार पत्र में माफ कीजिए पढ़ना चाह रहा है बताओ कौन सा सही है जी भैया हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भैया बहुत बहुत मैरिज एनिवर्सरी जो भी हो सबका जीवन सुखदमय हो सुखमय हो बड़े आए खींच के मारेंगे छोटी ठाकुर जी केह रहे ए बिहंगावलोकन नाट बिहंगावलोकन वो क्या होता है परिवीक्षणम और इसको स्कैनिंग बोलते हैं इसी को इसी को का बोलते इसी को स्कैनिंग बोलते हैं लिख लो समझ लेना और एक दिन और आया था कि पाठ्य पुस्तक को जो है वो जल्दी जल्दी पढ़ता है जानने के लिए उसके विशेष विशिष्ट ज्ञान के लिए पढ़ता है तब उसके लिए क्या हो विहंगावलोकन हो जाता लेकिन समाचार पत्र है समाचार विज्ञप्ति किसी कार्यालय प्रार्थना पत्र ऐसा कुछ पढ़ रहा है तो बोलो 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 मुंह को खोलो कुछ तो बोलो लिख कर बोलो भाई तो वो परिवीक्षण कहलाता है परिवीक्षण को अंग्रेजी में क्या बोलते स्कैनिंग जो आप पढ़ते हैं है ना जी स्कैनिंग होता है लिख लेना परिवीक्षण का मतलब स्कैनिंग आई बात गई समझ में आगे चढ़ते हैं जी बहुत बहुत भाई बधाई है ना जी जिस भी विद्यार्थी का हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है है ना जी भगवान करे जीवन सुखदमय रहे है ना जी आओ जी लाभ लीजिए बहुत लोग अगले साल मनाएंगे देखिए मार सादिम बिजी हैं क्लास में नहीं आ रहे हैं चलो बताओ कौन सा सही <laughs> काचित अध्यापिका जितने लोग हैं अरे बोलो भैया स्कैनिंग बिल्कुल सुजीत जी जी एकदम झा बहुत स्वागत है आइए स्वीकारिये क्लास को बहुत बेहतरीन क्लास है आपके लिए ही है संस्कृत चंद्रा की क्लास है काचित अध्यापिका ष्टी कक्षा या छात्रांत कोई अध्यापिका छठवी क्लास की अध्यापिका है अपने छात्रों को एकम लघु कथाम पठितुम एक छोटी कथा पढ़ तुम पढ़ने के लिए क्या करता है जी तथा वर्णिता और वर्णित घटना तुम कोई अध्यापिका छठवी क्लास की अपने छात्रों को एक छोटी कथा पढ़ने के लिए उनके पढ़ने के लिए कहती तथा उसमें वर्णित जो विचार हैं उनको घटना और विचारों को क्रमेण क्रम से लेख तुम लिखने के लिए कथित मतलब कहती है इम क्रिया का कथित यह क्रिया क्या कहलाएगी जी सारे विद्यार्थी बताओ जी कौन सा सही है सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जितने हैं जुड़े भाई देखो लाइक नहीं कर रहे हो क्या है सासु सासुमा रोकी है का है अरे उनसे कह दो कि बहुत अच्छी क्लास चल रही है बस लाइक करने का इजाजत दे, दे दें जी <laughs> चलो जी बहुत अच्छे जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ गए हैं उनका स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं हम है ना जी चलो जी जिन्होंने कहा है ध्यान दीजिएगा कथाया सारांश लेखनम सार लेखनम ए, घटना नाम सार लेखनम उप से निर्माणम या कथाया समीक्षा बोलो जी बहुत सारे विद्यार्थी कहें घटना नाम सार लेखनम सारांश लेखनम सारे विद्यार्थी एक तरफ से बेज़दा राइट आंसर देखिए जी क्या कहलाना जी राइट आंसर बहुत अच्छे जी छोटी कथा है उसको पढ़ने के लिए तथा उसमें वर्णित घटनाओं और विचारों को क्रम से लिखने के लिए कहती है कथ्य थे प्रे विद्यार्थी एक चीज बहुत छोटी सी है ध्यान दे लेना जिन्होंने कहा है क्या सारांश लेखनम सार लेखनम वो सुन ले पहले एक बात जो सार लेखन होता है, है घटनाओं को कि इसके बाद क्या उसके बाद क्या हम उनको क्रम में ये कंपल्सरी नहीं होता है समझे मुख्य घटनाओं को हमको दिखाना होता है हु बहु कह रहे हैं कि पढ़ तुम और उनमें वर्ण वर्णित घटना और विचारों को क्रमेण यही क्रमेण क्रमेण या लिखा होता अवधान पूर्वक तब तो हो जाता लेकिन क्रमेण क्रम से कह रहे हैं लिखने के लिए मतलब अगर जो पहला घटना हुई हो पहले उसके बाद वाली जो घटी है वो है ना जी उसमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए तो प्रिय विद्यार्थियों इज नाट सार लेखनम ये क्या है ये उप पाठ का निर्माण कर रहा है छात्र समझे कि नहीं समझे घटना घटना में ऐसा कह सकते हैं कि मुख्य जो उसके विचार होते हैं वो निहित के मुख्य विचारों को लिखें लेकिन यहां क्या लिखा यहां लिखा क्रमेण लेखे तुम क्रम से वैसे ही लिखने के लिए कह रहे हैं तो नॉट सार लेखनम उप पाठस्य निर्माणम जी कर लो सही सारे विद्यार्थी बड़े बी वाले अनुप्रिया जी है लो कर लो बात वर्षा कुशवाहा जी ज्योति सिंह जी हाँ सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे और लाइक करते शेयर करते हुए शेयर नहीं करें आज आपकी उपस्थिति बहुत ही कम है जी आगे चलते हैं आपकी उपस्थिति हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत होती है ना जी जी फूल कुमारी जी शेयर कर दीजिए सन्नू जी सारे जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं शेयर करते हुए आएंगे बताएंगे कौन सा सही बोलो जी बोलो सामग्रिया विकास शिक्षण शास्त्री अनुभव से किम योगदानम समग्रता के विकास में शिक्षण शास्त्री के अनुभव का क्या योगदान होता क्या योगदान होता तो बोलो 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 कौन सा सही सारे विद्यार्थी गुड इवनिंग राहुल मधेसिया जी बहुत स्वागत है वंदन है अभिनंदन है जो भी हमसे जुड़े हैं सारे विद्यार्थियों का मैं बार बार स्वागत वंदन अभिनंदन अपने इस क्लास में करता हूं जी उत्तर करना है आपको कि समग्रया विकास से समग्रता के विकास में शिक्षा जो शिक्षा शास्त्री होते हैं उनके अनुभव का क्या योगदान भाषा शिक्षा शास्त्र से विकास आय क्रिया कार्या भाषा शिक्षा शास्त्र के विकास के लिए क्रिया की गए कार्य या समग्रया शिक्षा शास्त्र से सन्निवेशा ये न शिक्षक शिक्षा शास्त्र प्रयुज्ञात समग्र शिक्षा शास्त्र के सन्निवेशन में दो ये मतलब जिसके द्वारा शिक्षक शिक्षा शास्त्र का प्रयुज्यात शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है हैं? वो समग्र विकास होता है या कक्षा या प्रयोग आए शिक्षा शास्त्रीय प्रविधि नाम संकलनम शिक्षण परिणाम ज्ञानम कक्षा में प्रयोग के लिए शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों का संकलन शिक्षण के का परिणाम ज्ञान या कक्षा में अध्ययन अध्यापन के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री का प्रयोग बोलो जी कौन सा सही है सारे विद्यार्थी आंसर रहे हैं उत्तर करो जी कह रहे हैं बीज द राइट आंसर हाँ जी सन्नू जी समर जी रूपेश कुमार जी सारे विद्यार्थियों से निवेदन है फटाफट उत्तर करेंगे जो भी हमसे जुड़ गए हैं जल्दी बोलो बोलो जी यहां पे एक्चुअली जो बात की गई है विद्यार्थी समग्रता के विकास में शिक्षा शास्त्री अनुभव का योगदान क्या होता है अभी आपने जैसे शिक्षा शास्त्री शिक्षा शास्त्री मतलब आपने संस्कृत में कहते हैं शिक्षा शास्त्री और आपकी हिंदी में कहते हैं बीएड। अगर आपने बीएड किया है तो उस अनुभव का क्या होगा जी तो कहते हैं सामग्रिया शिक्षा शास्त्र समग्र शिक्षा शास्त्र का सन्निवेशन है ये जिससे शिक्षक जो है शिक्षा शास्त्र का प्रज्ञात प्रयोग करता है समझे ना जी समस्त जो भी आपने सीखा है जाना है वर्षा कुशवाहा जी कि जो है किस सभी ऑनलाइन पेपर करवा दीजिए सर एक ही मैराथन वीडियो में सर पेपर फर्स्ट वर्षा जी कुशवाहा जी बस रुकिए एक बार पूरा हमारा पूरा हो जाए फिर एक दिन एक से पांच वाला फिर छह से आठ वाला मैराथन में हो जाएगा परेशान मत होइए है ना जी पहले एक बार हम इंडिविजुअली सबको ऐसे समझ लेते हैं उसके बाद चलते हैं बताओ जी यहां पर बीस द राइट आंसर की समग्रता सामग्र या समस्त शिक्षा शास्त्र के संवेश में ये जिससे शिक्षक जो है शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है जो भी सी का बीज राइट आंसर जी कर लो सारे विद्यार्थी सही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का अर्थ समझते चलना क्यों क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आगे आओ इसीलिए अर्थ बताता हूं नहीं तो पहले तीसरा सही करके आगे निकल जाऊं है ना जी चलो जी अध्ययन परिणाम अध्ययन का परिणाम क्या होता है बोलो 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 सारे बोलो अध्ययन का परिणाम शिक्षण उद्देश्य के उद्देश्यों के साथ अच्छी तरीके से चलना चाहिए या शिक्षण उद्देश्य ही ना संगेयु या शिक्षण के उद्देश्य उद्देश्यों के साथ नहीं चलना चाहिए या छात्रान संपूर्ण विषय जातुम सामर्थ्यवता कुरियु कि छात्रों को संपूर्ण विषय जानने के लिए सामर्थ्यवान कर, करना चाहिए या छात्रान भाषा स्वरूपम या तुम निष्णात कुरियो या छात्रों के भाषा के स्वरूप को जानने के लिए उसमें निष्णात करना चाहिए बोलो कौन सा सही है कोई बात नहीं है जी संधु जी जाइए ईश्वर के दर्शन करके आइए बताओ कि कौन सा सही अध्ययन का परिणाम क्या होता है बहुत सारे विद्यार्थी भी बता रहे हैं है जी बहुत गलत हो रहा है अंकु चौधरी जी ध्यान से पढ़िए जो मैं अर्थ बताता हूं सन्नो जी सब लोग उसको सुना करो उसके बाद उत्तर किया करो गलत नहीं होगा सारे विद्यार्थी बताएंगे जी कौन सा वाला ऑप्शन है सही जो भी हमसे जुड़े हैं ई बता रहे हैं ध्यान दीजिए अध्ययन का परिणाम जो अध्ययन का परिणाम होता है मतलब आपने अध्ययन आप अध्ययन जो करते हो उसका परिणाम किसके साथ जाना चाहिए शिक्षण के उद्देश्य उद्देश्यों के साथ अच्छी तरीके से संगत छेयु साथ में चलना चाहिए कॉम्बिनेशन बड़े आए जी नहीं अगर आप जैसे कोई अध्ययन कर रहे हो अध्ययन का क्या होता है सबसे पहले आप उद्देश्यों का निर्धारण करते आप हो आप अपनी पाठ योजना में भी उद्देश्यों का निर्धारण किया होगा विद्यार्थी तो सबसे पहले आप उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं ना जी ध्यान दीजिए जो अध्ययन परिणाम है वो किसके साथ चलना चाहिए वो शिक्षण के उद्देश्यों के साथ अगर आपने खूब पढ़ा जिस उद्देश्य आपने पढ़ा है जिस उद्देश्य से आपने पढ़ा है उस जिस उद्देश्य को लेकर आप पढ़ रहे हैं कि छात्र जैसे होता नहीं विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्य छात्र जो है जैसे पाठ का नाम है वर्षा तो छात्र जो है भारतवर्ष के विभिन्न त्योहारों है विभिन्न संस्कृतियों के बारे में अच्छी तरीके से जान पाएगा ये उसका विशिष्ट उद्देश्य होगा तो जब आप अध्ययन करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप करते हो ना जी तो बिल्कुल आपका ए इज द राइट आंसर जी कर लो जी सही सही एकदम ए इज द राइट आंसर ए वाला एकदम है सही आई बात गई समझ में समझे कि नहीं समझे प्रियंका कुमारी प्रीति जी है ना जी धनंजय कुमार सुमन जी सबसे विद्यार्थी से निवेदन है प्लीज संस्कृत चंद्रा के लिए एक छोटा सा शेयर आपसे मांगता हूँ लाइक कर दीजिएगा जो विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किए हैं पूरी मेहनत हमारी ना जी चिंता मत कीजिएगा प्लीज जाके एक बार जरूर देख लेना इसी चैनल पे है बेहतरीन ढंग से है जरूर देखना बड़ा काम आएगा है ना जी घुमा देते और सरिता यादव घूमे बड़े तो बढ़िया वो कह रहे हैं चलो जी समझेंगे नहीं बतियाएंगे जब हम यहां इतना बड़ी एक एक शब्द का अर्थ बताता हूँ ताकि आप थोड़ा बहुत जाने रहोगे तो वहां ज्यादा कर लोगे मैं जानता हूं बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन ढंग से मैं जानता हूँ कि सप्तमी कक्षाया अध्यापिका स्व छात्र मास पर्यंत दूरदर्शन प्रस्तुतिम धारावाहिकम व वा यथारुचिम दृष्टि सतमी कक्षा की जो अध्यापिका है कभी हमारी अध्यापिका ने नहीं, नहीं कहा कि जाओ पिक्चर देखो है लेकिन इन्होंने कहा है आगे चलते हैं कि सत्तवी कक्षा की अध्यापिका अपने छात्रों को मास पर्यंत महीने तक दूरदर्शन प्रस्तुति दूरदर्शन की प्रस्तुति वा अथवा वा का मतलब मैंने क्या लिखवाया है अथवा रुचिम जैसी रुचि वैसे ही कोई धारावाहिक दृष्टुम कथय देखने के लिए कहती है फिर क्या कहती है तत्पश्चात खंडा नाम संक्षेपम लिखितों कथित उसके बाद वह कथा के खंडों को संक्षेप में लिखने के कहती है क्रिया का यह क्रिया क्या कहलाएगी सारे विद्यार्थी उत्तर करो दत्त कार्यम समूह कार्यम संचार माध्यम से अध्ययन परियोजना कार्यम प्रोजेक्ट वर्क जितने विद्यार्थी हैं उत्तर करेंगे पहले क्या कहा गया किसी छात्र को कहा गया जाओ दूरदर्शन की प्रस्तुति देखो धारावाहिक जो आपको यथा यथारुचि जैसी आपकी रुचि हो वो देखो फिर कहती है कि उसको जो देख के आए हो कथा के खंडों को संक्षेप में लिखने के लिए कहती है यह क्रिया का कहलाएगी बोलो जी सारे जी अंकु चौधरी जी जो भी जुड़े हुए हैं जी सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है वंदन है अभिनंदन है हमारी इस क्लास में जितने भी हैं सबका बहुत बहुत स्वागत प्रिय विद्यार्थियों प्लीज क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगी कर देंगे और जो अभी तक शेयर नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचा दीजिए भैया है ना जी लगातार आपकी क्लास ऐसे ही चलती रहेगी है ना जी और जो विद्यार्थी अभी भी टैग वर्ड नहीं देखे प्लीज एक बार ध्यान से एक बार नहीं कम से कम दो बार देखना बहुत काम आएगा ए, देखो जी यहाँ ये दत्त कार्य होगा समूह कार्य तो है नहीं की ए, और एक माह महीने भर देखने के लिए कह रही है और ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों को समूह में बांट के दिए जी नहीं यहाँ पर ये है आपका परियोजना कार्य क्या है जी आपने प्रोजेक्ट वर्क किया होगा बी में परियोजना कार्यम या कहलाएगा जी परियोजना कार्यम कैसी हो जाएगा पिंटू कुमार जी संचार माध्यमस माध्यमस अद... संचार अध्ययनम नास्ति ये क्या है ये कह रहे हैं क्रिया ये जो क्रिया करा रही है मतलब एक बार बोली जाओ देख के आओ उसके बाद लिखने को दे रही यह क्रिया क्या, क्या कहलाएगी तो ये परियोजना प्रोजेक्ट वर्क के रूप में हम लोग इसको ग्रहण करते हैं दे इज द राइट right आंसर जो विद्यार्थी जुड़े हैं उनका स्वागत है वंदन है अभिनंदन है जी क्या कर रहे हैं जी सी बता रहे हैं हम्म नहीं जी ये क्या है पहले एक चीज आप नहीं देख रहे हो क्या अभी हम देखिए यहां पे जो कह रहे हैं कि ये सर संचार माध्यम अध्ययन ध्यान से सुनना अब अध्यापिका ने छात्रों को महीने तक होता नहीं कि जाओ घूम के आओ किसी दूसरे विद्यालय में जाओ है जाओ विद्यालय में घूम के आओ और सुविद्यालय की चीजों को आप लिखकर दिखाओगे यहां इस परियोजना कार्य महीने भर के लिए दूरदर्शन और धारावाहिक देखने का आपको समय दे रही है है ना जी महीने भर आपको दूरदर्शन और धारावाहिक देखने का समय दे रही है उसके बाद उस पर आपको कुछ कार्य करके लाने के लिए उस पर कुछ लिखने के लिए कह रही है तो भाई संचार के माध्यम से अध्ययन नहीं करा रही है हैं वो थोड़ी ना अध्ययन करा रही वो तो बोली है जाओ देखो और मैं जो जो देख के आना उस पर आपको लिखना है तो इस कार्ड परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क समूह कार्य होता है वो विद्यार्थियों को समूहों में दिया जाता है किसमें जी समूहों में दिया जाता है विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं किसी कक्षा कक्ष में समूह में कार्य करते हैं उस क्लास में ही होता है येस yes, क्लास में ही होता है ना जी तो डी इज द राइट आंसर जी कर लो सही ए सुनो ज्योति सिंह जी बता रहे हैं जी आगे चलते हैं कहते हैं क्या जी क्या कर रहे हैं जी राहुल असाइनमेंट को बताएं आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं जी बोध परिच्छेदस क्या लिखा है और इसको मैंने बता दिया बहुत बढ़िया ये यहां से दो तीन सेट में क्वेश्चन आया है, बोध परिच्छेद ये कुछ और भाषा में टाइप हो गया है इसको ऐसे काट दो बोध परिच्छेद पठनम है। कि पठनम कि शब्द नाम च उद्वाचन प्रक्रिया अक्षरों और शब्दों को उद्वाचन बोलने की प्रक्रिया है जी फिर कहते हैं निष्कर्ष या प्रयोगम करता अर्थबोध प्रक्रिया निष्कर्ष की योग्यता का प्रयोग करके अर्थबोध की प्रक्रिया या शुद्धोच्चारणस्य तथा ध्वनि भी ही, शब्द निर्माणार्थम उच्च स्वर पठनम या शुद्ध उच्चारण तथा ध्वनियों के द्वारा शब्द निर्माण के ऊंचे स्वर में पढ़ना या शब्दा नाम वाक्या नाम चाह उदाचनम तथा लेखक से दृष्टिकोण ज्ञानम तथा लेखक के दृष्टिकोण का ज्ञान बोलो जी कौन सा सही जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है वंदन है अभिनंदन है जो भी हमसे जुड़ गए हैं जी बहुत बढ़िया जी बोध परिच्छेद तो आप जानते हैं बोध मतलब ज्ञान परिच्छेद का ज्ञान तो बताओ जी बोध परिच्छेद का निष्कर्ष योग्यता या प्रयोगम कृत्व बोध प्रक्रिया और कहीं दिया जी नहीं दिया बोध का मतलब क्या ज्ञान और परिच्छेद का का बोध बोध परिच्छेद ज्ञान अर्थ प्रक्रिया जी तो निष्कर्ष की योग्यता का प्रयोग करके कृत्व मतलब करके अर्थ को जानना अर्थ का ज्ञान की प्रक्रिया क्या कहलाती है बोध परिच्छेद समझे जी बोध परिच्छेद पठनम बिल्कुल जी पॉजिटिव जिन्होंने कहा बी बीजदा राइट आंसर जी गुड इवनिंग शिवम पांडे जी बहुत स्वागत है आइए स्वागत वंदन अभिनंदन सारे विद्यार्थियों का क्लास को शेयर लाइक करना मत भूलिएगा आगे आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं बढ़ते अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है काचित अध्यापिका कक्षायाम कोई अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखिताम क्रियाम करोती कोई अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित क्रिया को करती है कांचित लघु पाठा कोई लघु पाठ छोटा पाठ द्वयो हो विभाज्य कोई अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित क्रिया को करती है करोति कांचित किसी छोटे लघु पाठा मतलब छोटे पाठ को हो। दो पृथक दो दो पृथक खंडों में विभाज्यते विभाजित करती है अथवा प्रत्येकम एकांतरित वाक्यम युगलाय दिये और एकांतरित वाक्यम एक में जुड़े हुए वाक्यों को युगलों में दिये देती है तथा प्रत्येकम छात्र अपरम छात्रान लेखे और उसके बाद क्या करें फिर प्रत्येक छात्र जो है अपरम छात्राम लेखे दूसरे छात्र लिखता है तदाते सर्वम पाठम संशोध उसके बाद वे सभी पाठ का संशोधन संशोधन भी करते हैं इम क्रिया का कथ्यते यह क्रिया क्या, क्या कहलाएगी ध्यान देना यो एकांतित वाक्यों किसमें दे रही है युगलाय दो युगल में युगल मतलब दो है जी युगल का मतलब दो दो में फिर कह रहे हैं तथा प्रत्येकम छात्र प्रत्येक छात्र अपरम छात्र एक प्रत्येक छात्र एक अपर मतलब दूसरे छात्र को लेख्यति मतलब लिखाता है सर्वम फिर वह सभी पाठ का संशोधन संशोधन करते हैं यह क्रिया क्या है परस्परम सुतलेखनम वाक्य सुतलेखनम व्याकरण अनुवाद सुत लेखनम या प्रति रचना व्याख्या करो जी उत्तर बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं डी पॉजिटिव जी करें ए जो विद्यार्थी हमसे पहले भी जान चुके हैं समझ चुके हैं हमारे साथ है ना जी बहुत बढ़िया जी बहुत अच्छे क्या मस्त उत्तर कर रहे हैं जिन्होंने कह दिया है क्या जिन्होंने कह दिया है ए वाह मोनिका मिलन जी बिल्कुल इसमें विद्यार्थी जिन्होंने कहा है ए वो एकदम सही है क्यों सही है ध्यान लुगल में है दो छात्र और कह रहे हैं तथा प्रत्येकम छात्र अपरम छात्रम लेखे प्रत्येक छात्र दूसरे छात्र को बोलकर लिखाता है लिखा है ना जी ता अपरम छात्र तदा पाठम इदम क्रिया, तो जब एक छात्र बोल रहा है दूसरा का लिख रहा है तो ये आपस में छात्रों में परस्पर श्रुतलेख के में जाना जाएगा परस्पर श्रुतलेख के रूप में जाना जाएगा विद्यार्थी हाँ तो एकदम एज लग नहीं रहा है यही है एकदम एज द राइट आंसर जी कर लो जी सही सारे विद्यार्थी जो विद्यार्थी नए होंगे मेरा टेलीग्राम चैनल आपको पिन किया गया है जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा तुम पीडीएफ डी वहीं पर आपकी पीडीएफ आपको मिलती है है ना जी और आगे बढ़े जी थोड़ा और आगे चलते हैं देखते हैं आगे बढ़ लेते हैं आज ही कर लें कितना टाइम हो गया जी कि आज के लिए बस कर लें बस करें कल करते हैं क्या जी जैसा आप लोग बताएं कमेंट करके फटाफट बताएं तभी आगे बढ़ेंगे नहीं तो फिर और क्वेश्चन हम कल करते हैं एक बार कमेंट करके बताइए नहीं तो और क्वेश्चन हम कम करते हैं जो भी जी जो हमसे जुड़े हैं एक बार कमेंट करके बताइए नहीं तो अगला क्वेश्चन फिर हम कल करते हैं फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी बताओ जी थर्टी क्वेश्चन का सीरीज है थर्टी क्वेश्चन का शुक्रिया शिवम पांडे जी धन्यवाद चलते हैं जी ए कहा जाना है धन धनजय कुमार सुमन जी जाना कहूं नहीं है ए राहुल मदेसिया कहू नहीं अब तो पक्का पढ़ाएंगे आओ हम तो यही जानना चाहते थे यही जानना चाहते थे बिल्कुल आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों ने कह दिया है बताओ कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं श्याम संथाली स्व मातृभाषाया एकम कुशल पाठक श्याम जो है संथाली संथाली भाषा होती है अपनी मातृभाषा में एक कुशल पाठक है तेन फ्रेंच इतिभा सम्यक रीत्या अधिकता तेन मतलब किस तेन मतलब उसके द्वारा है अरे समर्क मुझे जाना नहीं बताया को गए घर से उठा लाएंगे बता दे नहीं। हमारे नहीं पीछे पीछे अरे रुको सीटेट दो जाओ कह रहे हैं उसके द्वारा फ्रेंच यह भाषा अच्छी तरीके से भी वो जानता है अधुना सम्यक फ्रेंच इति भाषा इतिभा तुम सकनोती अधुना मतलब इस समय मैंने कहा लिखवाया है टैगवर्ड में अधुना मतलब इस समय वह अच्छी तरीके से फ्रेंच भाषा को पढ़ सकता है इदम किम कथित यह क्या कहलाएगा बोलो 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 कौशल स्थानांतरण होगा पठन अधिगम या पठन प्रविधि वो पहले मातृभाषा को जानता है बहुत स्वागत है जो विद्यार्थी आ गए उनका स्वागत बंधन अभिनंदन प्लीज क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर जो भी हमारे नए छात्र होंगे जो भी नए छात्र जुड़ गए हैं जी उनसे निवेदन है कि क्लास को थोड़ा सा शेयर करेंगे ना जी सारे बताओ कौन सा वाला ऑप्शन है सही वाह हाँ बहुत अच्छा जी ऐसा उत्तर करोगे जी हम्म चलो जी बहुत अच्छे जिन्होंने कहा है जिन्होंने कहा है ए एकदम सही है कौशलों का स्थानांतरण है किसका जी कौशलों का स्थानांतरण है पहले वह संथाली को मातृभाषा को पढ़ता है जी फिर एक कुशल पाठक है और उसको फ्रेंच भाषा को सम्यक रीत्या अच्छी तरीके से वो जानता है अधिकता मतलब समझ चुका है अधुना इस समय वह बोल भी रहा है तो क्या है ये ये आप उसके कौशलों का स्थानांतरण है छवि कश्यप जी बहुत स्वागत है पूरे विद्यार्थियों राइट आंसर थोड़ा सा स्पीड लेंगे थोड़ा बड़ा कर देना जी बताओ भाषा विषय सहजा तत्व बोल बोलो बोलो, बोलो मुख को खोलो कुछ तो बोलो लिख कर बोलो सारे बोलो कौन सा सही सब्सक्राइब करते हुए आएगा भाषा के विषय में सहज तत्व इसका आशय क्या है वाक व्यवहार मानवा नाम स्वैच्छिक स्वभाव किस वाणी के व्यवहार वाणी के व्यवहार मानव का जो स्वैच्छिक स्वभाव होता है ता समस्या वाघ व्यवहार पर क्रमे अनुभवंती वे समस्याएं जो बालक जो है अपने बोलने के व्यवहार के क्रम में अनुभव करते हैं या फिर मानवा नाम वाक व्यवहार से नैसर्गिक योग्यता कि मानव की जो वाघ व्यवहार व नैसर्गिक योग्यता होती है वाघ व्यवहार से पूर्वम मानव कृति चिंतनम व्यवहार से पहले मानव का चिंतन होता है तो बोलो भाषा के विषय में जो सहजात तत्व होता है है ना जी उसका आशय क्या तो बोलो बोल बोलो, बोलो मुंह को खोलो कुछ तो बोलो लिख कर बोलो सारे बोलो कौन सा सही वाह क्या उत्तर करते हैं इतना समझाने के बाद भी का उत्तर करते हैं ना जी अरे भैया हाँ सी फॉर सीटेड बिल्कुल राइट आंसर बड़े ए वाले बता रहे हैं है ना जी जो स... भाषा के विषय में जो सहजा तत्व है ये जो बात की जाती है जो सहजा तत्व की बात की जाती है प्रिय विद्यार्थियों तो जिन्होंने कहा है कि इसका आशय क्या है सहजा तत्व सहज तत्व से क्या तात्पर्य जो सहज तत्व की बात कर रहे हैं तत्व क्या वो समस्या ता समस्या वो समस्या जिसमें बाला वाग व्यवहार कर में अनुभवती जो समस्याएं अपने वाणी के व्यवहार के क्रम में वो अनुभव करता है जो अपने वाणी के व्यवहार के क्रम में अनुभव करता है ये या फिर जी गलत है जी सी सी इसलिए है मैंने ये बताया नैसर्गिक माफ कीजिएगा ये की सहज मैंने वर्ड बताया था टैगवर्ड सहज की ये दोनों रिलेट है आपस आप में जुड़े हैं और ये दोनों किससे जुड़े, है? जुड़े हैं ये जुड़े हैं भाषा अधिग्रहण से किससे जुड़े हैं जी माफ कीजिएगा ये किससे जुड़े हैं भाषा अधिग्रहण से सहजा तत्व माफ कीजिएगा नॉट बी यहाँ पे एक्चुअली वो अनुभव ध्यान दीजिए जो अगर वो कष्ट का ये समस्या का अनुभव करता भाई अगर समस्या का अनुभव कर रहा है तो वो अधिगम हो जाएगा समझे ना जी यहाँ पर ये जो कहा है सी मानवान वाव व्यवहार से नैसर्गिकी योग्यता प्राकृतिक योग्यता होती है जन्मजात योग्यता होती है राइट आंसर सी फॉर सीटेड वाह क्या उत्तर करते हैं अर्चना परिहार जी रूपेश कुमार यादव जी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर है ना जी चलो जी आगे है कांशित अध्यापक किस क्लास का जी छठवी क्लास का किस क्लास का अरे हिल्टा डूल्टा भाई थोड़ा टेढ़ा मेढा हो जाए ध्यान दे लेना छठवीं क्लास का कोई अध्यापक है अपनी कक्षा में पांच समूहों में विभज्य बांट करके त्रिमा से कितना जी इसको ध्यान तीन महीने तक विविध विषयम अधिकृत अनेक विषयों को लेकर विभिन्न जनेभ्य अनेक लोगों के विचारों को समाहृत्य मतलब लेकर के मैंने लिखवाया है वर्ड में दृष्टि कुमारी जी मैंने लिखवाया है दृष्टि कुमारी समझ में नहीं आ रहा है सर जी गलत क्यों बताते हो कंफ्यूज कर देते हो पूनम कनौजिया जी आज ये गलत नहीं बता रहे हैं जी सही बता रहे हैं हैं आओ छटवीं कक्षा का कोई अध्यापक अपनी कक्षाम् को पांच समूहों में विभज्य बांट करके त्रिमास यावत् तीन महीने तक अनेक विषयों को लेकर के अधिकृत्य विभिन्न जनेब्य विचार और अनेक लोगों के विचारों को समाहृत समाहित करके कार्यम कर्तुम निर्देशति कार्य करने का निर्देश देता है तदनंतरम उसके बाद विद्यार्थी तान आधारित प्रतिवेदनम लिखन्ति फिर जो विद्यार्थी है उसको आधार बनाकर जो विभिन्न लोगों के विचारों को लिया है और विभिन्न विषयों को जो लिया है उस पर एक प्रतिवेदन लिखता है कक्षा प्रति प्रस्तुत वन्ति और कक्षा में प्रस्तुत भी करता है अयम गतिविधि किम कथ्यते है यह गतिविधि क्या कहलाएगी वो क्या है पांच समूहों में बांटा है किसको छात्रों को पांच समूहों में बांटा है फिर कह रहे हैं विविध विषयों को लेकर और विभिन्न लोगों के विचारों को लेकर एक प्रतिवेदन लिखने के लिए बोलता है है ना जी और उसके बाद भी क्या करते हैं फिर उसको तान उसको प्रतिवेदन लिखन प्रतिवेदन लिखने के लिए, के लिए और कक्षा में प्रस्तुत भी करने के लिए कह रहे हैं तो बोलो कौन सा सही यहाँ एक चीज ध्यान देना बिल्कुल जिन्होंने कहा है बी परियोजना कार्यम प्रोजेक्ट वर्क अस्तु इज द प्रोजेक्ट वर्क है ना जी राइट आंसर एकदम सही है आगे बढ़ जाओ फिर फटाफट आगे जाओ कह रहे हैं समग्रया प्रदत्ता निविष्टया इनपुट कदा अंतर्ग्रहणम इनटेक सम समग्रता का जो समग्रता का है एक थोड़ा सा वेट करेंगे जी उत्तर करते रहें सारे विद्यार्थी आंसर करते रहेंगे जी थोड़ा सा उत्तर करते रहेंगे जर जल्दी बताएंगे कौन सा वाला ऑप्शन सही है आप लोग उत्तर करते रहें आवाज है कहते हैं सामग्रिया प्रदत्ता निविष्टया जो प्रदत्त इनपुट है वो कब अंतर्ग्रहण होते हैं यदा छात्रा अभ्यास माध्यमेन यदा छात्र अभ्यास माध्यमेन है ना जी आज ये ये लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद अब बंद करते हैं थोड़ा सा स्टूडियो बिजी हो जाएगा यदा छात्रा अभ्यास माध्यमेन व्याकरण पक्षाणाम अभ्यास करवंती जब छात्र अभ्यास के माध्यम से व्याकरणिक पक्षों का अभ्यास करते हैं यदा छात्र अवबोध अवबोधपूर्वकम प्रसंगानुकूला भाषा प्रयोग करवंती जब छात्र अवबोध ज्ञान के साथ प्रसंगों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करता है यदा छात्र अर्थम अवगछन्ती जब छात्र अर्थ को अवगछनती मतलब समझता है भाषाया चा कुरंती और अपनी भाषा में अभिव्यक्त करता है यदा छात्रा पाठम हम कंठस्थम कंठस्त कंठस्थ करने के बाद आई है उसके बाद प्रयोग करता है बताओ जो निविष्ट इनपुट है उसका अंतर्ग्रहण होता है कैसे बोलो जी बोलो जी बोलो सारे विद्यार्थी जितने विद्यार्थी हैं खुश हो गए जल्दी बताओ जी कौन सा सही ये लो बहुत अच्छा आपसे बेहतर कोई नहीं है प्रिय विद्यार्थियों कोई बात नहीं कल से फिर से यहीं से स्टार्ट कर देंगे होइएगा हो ये जी बहुत बढ़िया उत्तर हैं जी थैंक्स हां जी यहां पर जिन्होंने कहा है बी चूंकि भाई ध्यान दीजिए जो इनपुट हो रहा है उसका अंतर्ग्रहण होना है उसका अंतर्ग्रहण होता है कब जब हम छात्र ज्ञान पूर्वक प्रसंग के अनुकूल जहां पे ऐसा आ जाए है हाँ जी यहां पर अवबोध पूर्वकम प्रसंगानुकूल भाषा प्रयोग पॉजिटिव वर्ड है जहां हो ऐसा प्रसंगानुकूलम क्या है जी प्रसंगानुकूलम है ना जी प्रसंग या संदर्भानुकूलम कहीं ऐसा आ जाए संदर्भानुकूलम हालांकि इन सब वीडियो भी हमें एक कीवर्ड और बनाने वाले हैं संदर्भानुकूलम है ना जी अव आव, अवबोध पूर्वकम जहां ऐसा लिखा हो अवबोध पूर्वकम अवबोध पूर्वकम ये सब क्या है ये सारे के सारे पॉजिटिव कीवर्ड हैं काम कब करते हैं लेकिन ये जान लो काम तब करेंगे जब आपका प्रश्न सकारात्मक रहेगा तब करेगा समझे कि नहीं समझे तो बस आज के लिए इतना ही जी धनजय कुमार सुमन जी आप जरूर कहेंगे चलने दिया जाए हैं तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं विद्यार्थी क्योंकि कुछ आवश्यक कार्य है, है ना जी हालांकि मैं सोचा था कीजिए कल जो है पूरी क्लास होगी थर्टी क्वेश्चन की परेशान मत तक टैग वर्ड नहीं देखे हैं क्या नहीं देखे हैं जी टैग वर्ड नहीं देखे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ है ना जी उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो अभी आज तुरंत के तुरंत जाएं और टैग वर्ड देखें टैग वर्ड की जो वीडियो है जो टैग वर्ड की वीडियो किसकी जी हा जी टैग वर्ड की जो वीडियो है उसको जाके देखना कौन सी टैग वर्ड वाली वीडियो आपको जाके आज ही देख लेना और जो विद्यार्थी नए हैं वो तो हमारा चैनल संस्कृत चंद्रा पिन किया गया है उस टैग वर्ड की पीडीएफ भी वहीं मिल मिल जाएगी और आज के जो क्वेश्चन वाली पीडीएफ है ये भी तत्री वही मिलेगी है ना जी तो टैग वर्ड वाला वीडियो जरूर देखेगा जो भी विद्यार्थी सी की तैयारी कर रहे हैं अभी एक वीडियो आएगा की का की का और आएगा चिंता मत कीजिए और क्या आएगा जो आप आ, ये अनुच्छेद करते हैं पैराग्राफ करते हैं उसके लिए भी एक वीडियो हम लेके आएंगे थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करें छोटी वीडियो होगी या अपलोडेड वीडियो होगी और बहुत शुक्रिया प्रेम विद्यार्थियों थोड़ा सा हम लेट हो जाते हैं इसके लिए हम अभी पुनः माफी मांगते हैं कुछ कारण होते हैं ऐसे स्टूडियो वगैरह के कि कुछ व्यस्त रहती है इस वजह से थोड़ा लेट हो जाता है कोई बात नहीं लेकिन आपके लिए हम कुछ कमी छोड़ेंगे नहीं अपने यूट्यूब चैनल पर या पी के माध्यम से जो कुछ हो पाएगा सब आपके लिए करेंगे आज के लिए लेते हैं आपसे विदा प्रिय विद्यार्थियों मिलते हैं अगले एपिसोड में कल ऐसे ही चार बजे शुभम भूया सर्वदा स्वस्थ रहें मस्त रहें व्यस्त रहें करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी जय हिंद जय भारत और सारे विद्यार्थी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर वीडियो के बाद अपना कमेंट जरूर छोड़ा कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और और ऊर्जा के साथ कार्य करने का मन होता है तो प्रिय विद्यार्थियों जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा लेते हैं सीधा नमस्कार धन्यवाद